हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम और आप देख रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर हिंदी यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लो, क्योंकि मैं रोजाना एक न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, वो सर वीडियो 100% रियल होते हैं। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड एड एंगल वापस आ चुका है और आज हम लोग जाने वाले हैं पोशंकी, जहाँ पर लोग एक ही बात बोलते हैं, अरे पोशंकी आ जा बता देंगे। तो ये बात तुम लोगों को बहुत ही पहले से याद होगा कि पोशंकी का दहशत सुनते ही बंदे लॉबी छोड़ के चले जाते थे, और या फिर पोशंकी आना नहीं चाहते थे। तो अभी मैं हम लोग जा रहे हैं ओल्ड एरेंगल में। तो ओल्ड एरेंगल में हम लोग पोशंकी देखने वाले हैं कैसा दिखता था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि पोशंकी कैसा दिखता था, वही पबजी पीसी में ओल्ड एरेंगल में, और पबजी मोबाइल PCMI के अंदर भी काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा, बाकी पबजी PC में बिल्कुल कम लोगों ने देखा है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से एक नज़ारा, एक ऐसा यादें ताज़ा हो रहा है हम लोगों का, जो कि बिल्कुल अनोखा सा है। तो एक अनोखा सफ़र में मैं हर दिन तुम लोगों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एरेंगल मैप जो ओल्ड एरेंगल मैप आया काफ़ी कम समय के लिए आया है, तो हम लोग चाहते हैं ये एरेंगल मैप को अच्छी तरीक़ा से महसूस करें, फिर वो सारे यादें को महसूस करें जो हम लोगों ने पहले इंजॉय करते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से लुक लग रहा है देखने में हमारा पोशंकी की, और कितनी दूर तक मैं इसको पैराशूट से उतारते गया। वेरी नाइस, फाइनली ये देख सकते हो हमारा ये पोशंकी की जो अभी वीराना से पड़ा हुआ है। एक सुना सा महसूस हो रहा है इस पोशंकी की में आने के बाद, तुम लोगों को इसको भी शायद ये महसूस हो रहा होगा हमारा पोशंकी की। एक समय था जब लोग चिल्लाते थे चलो पोशंकी चलो पोशंकी, और आज ये पोशंकी की सोना से पड़ा हुआ है। और ये ओल्ड एरेंगल है जो कि रेयर है कि आपको दोबारा देखने को मिलेगा। आपको हमारे चैनल पे हर एक लोकेशन का वीडियो देखने को मिल जाएगा, और कृपया करके तुम लोग चैनल पर न्यू आए तो कृपया करके तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मुझे लग रहा है। इस वीडियो को बनाने मुझे 50 GB का अपडेट करना पड़ा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो जो 3 स्टोरेज बिल्डिंग था, तो अब इसे हटा दिया गया है। पहले याद होगा तुम लोग इसके अंदर से छुप के हम लोग बैठते थे, क्या अब हम लोग इसके अंदर से छुप के बैठ सकते हैं, उसको भी ट्राई करेंगे। साथ ही साथ ये देखो हम लोगों का छोटा सा जो गैराज, इसके अंदर गाड़ियाँ वगैरह रखा हो रहता था, किस प्रकार से यार लुक लग रहा है देखने में। पहले हम लोग यार 3 स्टोरेज बिल्डिंग ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि यार इस बिल्डिंग का ये यादें बहुत ही अनोखा हम लोगों का है। हम लोग जब भी जाते थे यार इस बिल्डिंग के ऊपर, हम लोग छत के ऊपर जरूर चढ़ते थे और लेट के यार कैंपिंग करते थे और रैंक पुशिंग करते थे। सबसे पहले मैं गन उठा लेता हूँ। वाह, इसके अंदर यार AKM मुझे मिल चुका है, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हो ये क्या गिरा हुआ है मुझे नहीं पता, कुछ गिरा हुआ है। ओके, ये पैर को टायर को पंचर करने के लिए गिरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग उतरते थे याद होगा तुम लोगों को, और उतरने के जगह पे हम लोग किस प्रकार से उतरते यार मुझे याद भी नहीं है, बताओ मैं थोड़ा थोड़ा मैं भूल भी रहा हूँ। ओके, यहाँ से हम लोग उतरते थे भाई लोग, देखो यहाँ से हम लोग, ओके ओके यहाँ पर आ चुके हैं फाइनली। यार ये टिप्स एंड ट्रिक का जगह याद होगा तुम लोगों को, फाइनली जब हम लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आके कैंपिंग किया करते थे भाई लोग। इसके अंदर तो मुझे घुसने के लिए नहीं दिया जा रहा है, देखो इसके अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसमें हम लोग कैंपिंग करते थे, बाकी इसमें हम लोग घुसने के लिए नहीं दिया। एक बार लेट के देखूँ क्या, शायद घुसने के लिए दे दे हम लोगों को। के अंदर लेटने के लिए नहीं दिया जा रहा है, पबजी PC इसीलिए पबजी PC है। बाकी यार हम लोग जब अपना पबजी मोबाइल खेलते थे इसमें लेट जाते थे जाके। उसके बाद ये बिल्डिंग देखो कितना सुपर सा लग रहा है देखने में ना, बहुत अनोखा सा बिल्डिंग लग रहा है देखने में। अंदर में यार गेट जो लगा हुआ है, ग्रिल लगा हुआ है, अंदर जाके देखते हैं कुछ तो महसूस होएगा अंदर में। वेरी नाइस, यहाँ पे एक कुआं भी लगा हुआ रहता था जिसके द्वारा यार हम लोग पानी तो नहीं पी सकते हैं, पर एक पुराना याद को दिखाता है कि यहाँ पे कुआं वगैरह भी लगा हुआ रहता था। अब आगे कुछ चलते हैं थोड़ा सा, पोशंकी का स्कोर हाउस कैसा दिखता था वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखो ये 3 स्टोरेज कैसा दिख रहा है, ओपी से लग रहा है ना। यहाँ पर गाड़ी जंग पड़ा हुआ लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं फर्स्ट पर्सन में करके दिखाता हूँ,
बादल वगैरह देखो क्या सुनहरा सा लग रहा है फील देखने में। वाह ये सन्नाटा सा जो महसूस हो रहा है ना मुझे बहुत ही कमाल का दे रहा है यार। तो मेक श्योर अभी तक अभी वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार, हमारा ओल्ड ट्रायंगल है लाइक तो बनता है। बादल देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है देखने में। ये सारे गलियां भाई ओल्ड ट्रायंगल का बात ही लगता है। ये यार कूड़ा करकट फेंका हुआ रहता है यार। वाओ साइड में बना हुआ यार एक कवार खाना जिसमें यार गाड़ी वगैरह चला हुआ है। ये गाड़ी वगैरह चला हुआ याद दिलाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा हुआ एक समय पे। ये छोटा सा सैक हम लोगों का लेवल 3 का वेस्ट अभी भी रखा हुआ इसके अंदर। अब इसके अंदर दरवाज़ा लगा हुआ है, पहले इसमें दरवाज़ा लगा हुआ अब इसमें हटा दिया गया है और इसमें भी दरवाज़ा लगा हुआ रहता था। अब चलते हैं हम लोग प्यारा अपना स्क्वाड हाउस जो कि हम लोगों का सबसे प्यारा स्क्वाड हाउस है। वाओ स्क्वाड हाउस देख सकते हो क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई तुम देखने में, जन्नत सा फील आ रहा है देखने में। तो इस स्क्वाड हाउस के अंदर जाके देखते हैं बहुत ही कमाल का फील दे रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ पोटरी रखा हुआ है जिसके द्वारा हम लोग कवर लेके मारते थे, क्या ही सॉलिड से कवर आएगा ना इसके अंदर। और स्क्वाड हाउस के अंदर देखो कितना सारा सामान फेंका हुआ है, ऊपर देखो यार ऊपर लाइट जला हुआ है, पेंटिंग नहीं किया हुआ है, पूरा ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोचंकी में लड़ाई हुआ हो जिस वजह सारा सामान वगैरह लेंटे वगैरह बिखरा हुआ है। दरवाज़ा खोल के देखते हैं, वेरी नाइस। पोचंकी का चर्च भी जाके देखेंगे हम लोग, पोचंकी का चर्च इम्पॉर्टेंट रखता है हम लोगों के लिए क्योंकि चर्च से हमारा बहुत ही ज़्यादा याद जुड़ा हुआ है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई पोचंकी का चर्च नहीं भूल जाना, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ना ये लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा हमारे चैनल पे और ये याद हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा हमारे चैनल पे। दोबारा आपको यूट्यूब पे कोई और चैनल पे इस तरह से एक्सप्लोरेशन देखने को नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम के लिए है और मैं ही आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जान जाओ कि पहले का पोचंकी कैसा है। और आने वाला समय में जो अनरियल इंजन 5 पे जो वीडियो बनेगा तब भी मैं कंपेयर करके आप सभी को दिखा पाऊँगा कि अभी का पोचंकी कैसा है, पहले का पोचंकी कैसा है और इन फ्यूचर जो पोचंकी बनेगा वो कैसा देखने में लगेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। फाइनली यार हम लोगों का ये चर्च आ चुका है, ये टूटा फूटा चर्च। कमाल सा फील दे रहा है ना भाई लोग, बहुत औसम सा फील दे रहा है मुझे। इस चर्च के ऊपर पहले ऊपर चढ़ के देखेंगे हम लोग, फिर दूर से व्यू देखेंगे एक बार। और वो हम लोगों का यार जो वॉच टावर बोल सकते हो, वॉच टावर नहीं क्या बोल सकते हो हम लोग, क्या बोलते थे हम लोग उसे, कोई बात नहीं फिर भी रखा हुआ है, चाहे फिर उठा लेते हम लोग। फाइनली यार हम लोग चर्च के अंदर एक बार जाके देखेंगे चर्च के अंदर। यहाँ से कूदने का जगह यार, अब यहाँ से कूदने का जगह नहीं दिया गया है। देखो यार कितना कमाल सा लग रहा है ना ऊपर से टूटा फूटा, नाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये देखो दूर से मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को थोड़ा सा दूर जाके, और हम लोगों का ये भाई इसका तो मज़ा ही कुछ और है देखो भाई साहब। और ये भाई अब ये हटक गया गेम के अंदर, गेम के अंदर अब ये नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, हम लोग मिस करते इस बिल्डिंग को। बस इस बिल्डिंग को ले आया जाए गेम के अंदर मज़ा आएगा। हमेशा हम लोग इसके अंदर से कवर लेकर यार बंदे को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पीट देते थे पकड़ के भाई लोग। यहाँ से हम लोग ना अपने टीममेट से फाइट करते करते आते थे। उसके बाद पोचंकी का यार यहाँ पे यार पूरा बम बम चलता था, पोचंकी के अंदर भी हम लोग यहाँ से कवर लेके मारते थे, तुम लोगों को याद होगा तो पूरा कैंपिंग करके बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और हम लोगों के पास यार टिप्स एंड ट्रिक भी था इसके ऊपर चढ़ने का, मे बी ये तो हटक गया गेम के अंदर। और एक बार हम लोग क्या करेंगे,
इस पोचेंकी का गाड़ी से एक्सप्लोर करके देखेंगे, क्योंकि गाड़ी से बनता है भाई लोग, गाड़ी चलाना तो बनता है यहाँ पे। पहले फर्स्ट पर्सन में चलेंगे, मतलब अभी थर्ड पर्सन में लेके जाएंगे। ये सन्नाटा सा महसूस हो रहा है मुझे, जब पोचेंकी में मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कोई मुझे मार नहीं रहा। आओ, किधर गए सभी लोग जो बोलते थे आज आप पोचेंकी, कहाँ है वो लोग, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। अब एक बार फर्स्ट पोर्शन में लेके जाते हैं हम लोग। देखो ये जो फील आ रहा है मुझे, तुम लोग भी महसूस कर पा रहे होगे, क्या तुम लोग महसूस कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में बताना। पोचंकी के आसपास के एरिया जो था वेयर हाउस, वो भी एक बार देखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत से लग रहा है, और वेयर हाउस के अंदर बहुत ही ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है, जो अभी के वेयर हाउस में उतना ज़्यादा नहीं दिया गया। पहले के वेयर हाउस में यार हम लोग कैंपिंग करते थे, इसके अंदर भी हम लोग कैंपिंग करते थे भाई लोग, तुम लोगों को याद होगा, मैं तुम्हें यादें ताज़े कर देता हूँ तुम लोगों का। यहाँ पर हम लोग कैंपिंग करते थे, उसका वेयर हाउस का साइज़ थोड़ा बड़ा रहता था, यहाँ पे लेट के हम लोग कैंपिंग किया करते थे भाई लोग, याद होगा तुम लोगों को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी चढ़ते थे, इधर भी चढ़ जाते थे, इस पर चढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बहुत उस पर चढ़ जाते थे हम लोग। तो देखो यार कितना ओसम सा फील आ रहा है इसको देखने पर, तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा ये पोचंकी का सफ़र। तो तुम लोग बताओ ओल्ड एरेंगल में ये पोचंकी कैसा लगा, कितने लोग चाहते हो ओल्ड एरेंगल हमेशा रह जाए, और ओल्ड एरेंगल के जगह एक और मैप बनाया जाए जो कि अनरियल 5 इंजन में बनाया जाए, और ओल्ड एरेंगल को हमेशा के लिए रहने दिया जाए गेम के अंदर। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला पार्ट बहुत ही ओसम होने वाला है, तो अगले पार्ट के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग ऐसे सफ़र में जाने वाले हैं जो कि आप लोगों को पुराने यादें बिल्कुल ताज़ा करने वाला है। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। चलो मिलते हैं अगले दिन एक नए के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।